वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ अनीता गौतम, एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम सिटी गुरुभव कॉलेज। मैं आपको बी एल एड सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आज मेरा थर्ड यूनिट का सेकेंड लेक्चर है। इसमें जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके सारे टॉपिक यानी थर्ड यूनिट के सारे टॉपिक और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, यानी अर्थव्यवस्था क्या होती है उसका परिभाषा और उसके प्रकार को बताया था। तो आज हम फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को ही कंटिन्यू, जो टॉपिक रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो भारत जो है हमारा वो अल्प विकसित देश है, और जो हमारा अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, वो जो है हमारा जो है विकसित देश है। तो भारत को जो है विकसित देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि की तुलना में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो पिछड़ेपन का कारण, तो पहला हमारा है कृषि की प्रधानता। कृषि की प्रधानता में हम देखेंगे कि अल्प विकसित देशों की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ अधिकांश जनसंख्या जो है वो किस पर निर्भर करती है या किस पर व्यवसाय करती है, कृषि पर जो है, कृषि व्यवसाय में लगी रहती है। तो भारत में भी क्या होता है, यही लागू होता है, यानी जो भी हमारा अल्प विकसित देश है उसकी जो जनसंख्या होगी वो किस पर, कृषि व्यवसाय में लगी रहती है। तो हमारा जो भारत देश है उस पर भी यही लागू होता है, यहाँ की 51.2% जनसंख्या जो है वो कृषि व्यवसाय में ही लगी हुई है, तथा राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है 19.8% है। दूसरा हमारा प्रति व्यक्ति निम्न आय, यानी यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही निम्न है अन्य देशों की अपेक्षा, यानी जो विकसित देश हैं उनकी अपेक्षा में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत निम्न है। यानी अल्प विकसित देशों की तरह भारत में भी प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है वो बहुत निम्न है। जापान और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय जहाँ 37,670 है और $46,040 है, वहीं पे भारत में जो है निम्न आय जो कितनी है, $950 प्रति व्यक्ति है। थर्ड पॉइंट है हमारा बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी जो है पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। अल्प विकसित देशों में अर्ध बेरोजगार व बेरोजगारी होती है, भारत में भी यही स्थिति है। यहाँ के किसानों के पास कुछ महीने ही कार्य होते हैं, मतलब जब उनका कृषि का काम होता है तभी उनके पास कार्य होगा, बाकी समय में वो कार्य नहीं करते हैं, अतः अर्ध बेरोजगारी है। साथ ही यहाँ बेरोजगारों की संख्या में बराबर वृद्धि हो रही है, यानी जो हमारे बेरोजगार हैं वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी बेरोजगारों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ऊंची जन्म व मृत्यु दर, वर्तमान में भारत में जन्म व मृत्यु दर क्रमशः जो हमारा मतलब जन्म दर है वो 23.1 तथा जो मृत्यु दर है वो 7.1 प्रति हजार है, जो बहुत अधिक है, अतः यह अल्प विकसित देशों के अंतर्गत आता है। निम्न प्रत्याशित आयु, ठीक है, विकसित देशों में जहां प्रत्याशित औसत आयु कितनी है, 74 से 82 वर्ष के बीच होती है, वहीं पर हमारे भारत की अप्रत्याशित आयु कितनी है, 63.5 वर्ष है। इस प्रकार यह अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। जनसंख्या घनत्व, अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है जबकि विकसित देशों में कम। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में जहां 325 व्यक्ति रहते हैं, जबकि अमेरिका में 31, चीन में 136 व रूस में 91 इस प्रकार भारत अल्प विकसित देशों में रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुरानी उत्पादन विधियाँ, जो भारत में क्या है कि अभी भी हम पुरानी उत्पादन विधियों का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी इसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। अल्प विकसित देशों में पुरानी उत्पादन विधियाँ पाई जाती हैं, भारत में भी क्या है, यही स्थिति है। यहाँ पर अभी भी कृषि व औद्योगिक उत्पादन में पुरानी विधियाँ ही काम में लाई जा रही हैं। फिर है निम्न साक्षरता, जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि निम्न साक्षरता, जहाँ विकसित देशों की साक्षरता 95
प्रतिशत से भी अधिक है, वहीं भारत की साक्षरता 54.8% ही है। ठीक है, इस प्रकार यह अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारा पिछड़ा आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा। अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि समाज जो है वो पिछड़ा हुआ होता है, जो विकास के रास्ते में अड़चने पैदा करता है। तो भारत में भी यही बात पाई जाती है। फिर है निम्न जीवन स्तर। जो यहाँ का जीवन स्तर है वो कैसा है? निम्न स्तर है, निम्न जीवन स्तर है। तो अल्प विकसित देशों में औसत आय कम होने से सामान्य जीवन स्तर निम्न होता है। भारत में भी सामान्य जीवन स्तर जो है वो निम्न है, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है वो कम है। तो कुछ विचारक जैसे जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित या तृतीय संसार के सदस्य के रूप में मानते हैं। इस संदर्भ में जो एक देखेंगे फ्रेडरिक हार्बिशन व चार्ल्स मेयर्स का वर्गीकरण उल्लेखनीय है कि इन्होंने विकास को चार भागों में बांटा है। पहला अल्प विकसित, दूसरा जो है हमारा आंशिक विकसित, तीसरा जो है वो अर्ध उन्नत और चौथा उन्नत। तो इन दोनों विद्वानों ने भारत को तीसरे वर्ग यानी अर्ध उन्नत में रखा है। इसका अर्थ यह है कि भारत प्रथम दो स्थितियों से गुजर चुका है जो उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। फिर है हमारा आर्थिक विकास की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक हम इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमी की। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, निरंतर प्रक्रिया हो रही है, यानी यह एक लगातार या निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जिसके कारण साधनों की पूर्ति व वस्तु संबंधी मांग समय समय पर बदलती रहती है। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन से अर्थ जनसंख्या, उत्पादन साधन, पूंजी उत्पादन, तकनीकी व अन्य संस्थागत परिवर्तन से है। इसी प्रकार वस्तु संबंधित मांग के परिवर्तन से अर्थ जनता की आय में परिवर्तन, वस्तु वितरण के तरीकों में परिवर्तन, जनसंख्या की रचना में परिवर्तन व उपभोक्ताओं की रुचियों में परिवर्तन से है। जैसे जैसे किसी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन सभी पूर्ति साधनों एवं मांगों में परिवर्तन होता जाता है। फिर हमारा वास्तविक राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक विकास से वास्तविक राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ठीक है, जो हमारा आर्थिक विकास होगा वो वास्तविक राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, आय में वृद्धि होगी। यानी कि राष्ट्रीय आय से अर्थ क्या होता है कि एक वर्ष में जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन एक देश में होता है, ठीक है, उसके मूल्य में से हास यानी घटाकर जो बचता है उससे है, इसी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। आर्थिक विकास की स्थिति में इसमें वृद्धि होती है जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो भागफल प्रति व्यक्ति औसत आय कहलाती है। आर्थिक विकास में इस प्रति व्यक्ति औसत आय में भी वृद्धि होती है। फिर हमारा दीर्घकालीन या निरंतर वृद्धि, मतलब दीर्घकालीन या निरंतर जो वृद्धि होती रहती है उसको देखेंगे कि आर्थिक विकास के अंतर्गत वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी विशेष कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है तो उसे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। मतलब अगर कभी कुछ समय के लिए अगर आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, तो उसे हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। जैसे कि कृषि है, तो अगर समय अनुसार वर्षा होने पर कृषि उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है, और इससे राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, तो इसको दीर्घकालीन वृद्धि या निरंतर वृद्धि नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास में वृद्धि आकस्मिक ना होकर दीर्घकालीन होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा आर्थिक विकास होता है उसमें जो वृद्धि होगी वो हमेशा के लिए होगी, यानी दीर्घकालीन होगी, ना कि आकस्मिक। ठीक, उत्पादन साधनों का उचित दोहन,
इसमें देश के उत्पादन साधनों को अच्छी प्रकार से काम में लाया जाता है। दूसरे देशों में बेकार पड़े उत्पादन साधनों को कुशलतापूर्वक काम में लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण में सुधार। इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक विकास में सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि की जाती है। यदि आर्थिक विकास में धनी वर्गों को ही लाभ होता है और उन्हीं के जीवन स्तर में सुधार होता है तो इसको आर्थिक विकास नहीं कह सकते। मतलब आर्थिक विकास के लिए धनी वर्ग में नहीं, सभी की आयों में वृद्धि होना चाहिए। यानी आर्थिक विकास में सभी के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए तथा कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि होनी चाहिए। फिर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की जो परंपरागत विशेषताएं, यानी जो प्राचीन विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये है हमारी कृषि की प्रधानता। यानी कि भारत की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर कृषि व्यवसाय की प्रधानता है। यहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या जो है 52% कृषि व्यवसाय में ही है तथा शेष 48% उद्योग और सेवाओं में लगी हुई है। तो फिर है कि कृषि व्यवसाय 20% ही राष्ट्रीय आय में अपना जो है वो योगदान दे पाता है। यहाँ के निर्यात व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 10% निर्यात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पदार्थों का ही होता है। ठीक है, कृषि व्यवसाय की प्रधानता इस तथ्य से भी प्रतिलंबित होती है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक, इसमें हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण है। यहाँ जो है 638 लाख गांव तथा लगभग 5,161 नगर व शहर हैं। ठीक, यहाँ की 72.2% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति कहाँ रहता है, गांव में रहता है। यह प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में 20 और जापान में 34 व ऑस्ट्रेलिया में 8% जनसंख्या ही गांव में रहती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय व गरीबी, इसमें हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि व्यक्ति आय यानी विश्व के कुछ देशों को छोड़कर बहुत ही निम्न है, जो केवल $950 है, जबकि विश्व की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है $7,958 है। भारत की तुलना में स्विट्जरलैंड, अमेरिका और जर्मनी में प्रति व्यक्ति जो आय है वो उनसठ हज़ार आठ सौ अस्सी, ठीक, और 46,040 एवं $38,860 हैं। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी व्याप्त है, लेकिन यह गरीबी इससे और भी अधिक है क्योंकि यहाँ की 40% जनसंख्या को राष्ट्रीय आय का केवल 19.7% ही मिल पाता है। यहाँ की 21.8% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है क्योंकि उनको आवश्यक मात्रा में कैलोरीज भी नहीं मिल पाती है। फिर हमारा पूंजी की कमी, ठीक है, पूंजी की कमी के कारण भी जो है ये विशेषता के अंतर्गत आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता यह है कि यहाँ पूंजी की कमी है। इसका मुख्य कारण बचत व विनियोग की निम्न दर होना है। यहाँ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत का स्तर निम्न है। पिछले कुछ वर्षों में नियोजन होने के कारण बचत विनियोग दरों में क्या है कि कुछ वृद्धि हुई है। फिर हम पढ़ेंगे नवीन विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन, अभी प्राचीन विशेषताएं हमने देखी, प्राचीनतम विशेषताएं, अब है नवीन विशेषताएं।
तो इसमें हम देखेंगे कि उपरोक्त परंपरावादी विशेषताओं में ऐसा आभास होता है कि भारत एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नियोजन की पद्धति अपनाने से यहाँ काफ़ी प्रगति हुई है। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, नए नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा पुराने उद्योगों की कार्य पद्धति एवं उत्पादन में क्या हुआ है कि परिवर्तन हुआ है। सामाजिक चिंतन की राह में परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ की नियोजित अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक विकास, बैंकिंग सुधार का विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बचत एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है तथा नवीन उद्योगों की स्थापना आदि नवीन विशेषताएं हैं। और निम्न प्रकार है, देखिएगा, नियोजित अर्थव्यवस्था जो है इसमें पहली विशेषता, भारत में विकास के लिए नियोजन की नीति अपनाई गई। यह नियोजन 1 अप्रैल 1951 में चालू किया गया। अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 वार्षिक योजनाएं, 3 वर्ष का अंतराल तथा 11वीं योजनाओं के 2 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस प्रकार यहां नियोजन के 58 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिससे देश का विकास हुआ है। फिर हम देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, तो यहाँ सार्वजनिक उद्योग की संख्या में बराबर वृद्धि हो रही है। 1950 से 51 में भारत में पांच सार्वजनिक उद्योग थे, जिसमें 29 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या जो है 247 व पूंजी निवेश बढ़कर जो हमारी देखिएगा 437,006 करोड़ रुपए हो गई है। इन उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग, कोयला उद्योग व अनेक उपभोक्ता उद्योग शामिल किए गए हैं। फिर इसमें नवीनीकरण में एक औद्योगिक विकास, यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। प्रथम योजना में 7.3% और द्वितीय योजना में 6.6% तथा तृतीय योजना में 9% तथा चतुर्थ योजना में 4.7% तथा पांचवी योजना में 5.9%, छठी योजना में 5.8%, सातवीं योजना में 8.2% व आठवीं योजना में 7.3% व नवीं योजना में 5% उत्पादन बढ़ा है। दसवीं योजना के दौरान यानी 2002 से 2007 में देश में उद्योगों की औसत वृद्धि दर 8.2% रही, ठीक है। फिर है बैंकिंग सुविधाओं का विकास, यहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं का विकास हो रहा है, ठीक है, मतलब जो है सुविधाओं का जो विकास है वो बराबर हो रहा है, यानी मतलब लगातार हो रहा है। 1969 में भारत में व्यापारिक बैंकों की जो 8,262 शाखाएं थीं, लेकिन जून 2008 के अंत में इन शाखाओं की संख्या 76,885 हो गई है। जून 1969 में प्रति 65,000 जनसंख्या के पीछे एक बैंक शाखा थी, लेकिन बाद में इसमें कमी हो गई और यह संख्या घटकर 16,000 रह गई, ठीक है। फिर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रति आय व्यक्ति जो है वो बराबर बढ़ रही है। वर्तमान की कीमतों के आधार पर यहाँ पे 1999 से 2000 में 15,851 रुपये से बढ़कर, मतलब 2007 से 8 में 33,283 रुपये हो गई है, ठीक है। बचत एवं पूंजी निर्माण दरों में भी वृद्धि हो रही है। तो ये देखेंगे कि यहाँ बचतों व पूंजी निर्माण की दरों में भी क्या हो रही है, बराबर वृद्धि हो रही है। 1950 और 51 में बचतें सकल घरेलू आय का 8.2
6% थी, जबकि 2007 और 8 में कितनी हो गई, 37.7% हो गई। इस प्रकार यहाँ सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर 1950 से 51 में 8.4%, जो कि 2007 से 8 में बढ़कर 49.1% हो गई। फिर है उसी में नवीन उद्योग की स्थापना, ठीक है, ये भी एक विशेषता है। तो नियोजन प्रारंभ होने से भारत में अनेक नवीन उद्योग स्थापित हो गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत एक विकासशील देश है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज, पनडुब्बियाँ व अनेक रसायन बनने लगे हैं, जिसका पहले आयात किया जाता था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि देखेंगे इसमें कि आर्थिक विकास की बाधाओं को दूर करने के उपाय, ठीक है। तो विकासशील व अल्प विकसित देशों की समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय हैं, ये इसमें हम देखेंगे। कि पहला है हमारा बचत एवं पूंजी को प्रोत्साहन। अगर हम विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देंगे तो क्या होगा कि हम जो है आर्थिक विकास की बाधाओं को दूर कर पाएंगे। तो पूंजी की कमी के लिए जनसंख्या में बचत करने एवं उनको उद्योगों आदि में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि विदेशी पूंजी भी बिना शर्त या अनुकूल शर्तों पर मिले तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। दूसरा है सुधार, देखेंगे बाजारों का विस्तार। इसमें देखेंगे कि यदि देश में क्रय शक्ति कम होने के कारण बाजारों में विस्तार करने की संभावनाएं ना हो तो निर्यात को प्रोत्साहित कर विदेशी मुद्रा में अर्जित करनी चाहिए, जिससे कि नए नए उद्योगों के लिए आवश्यक मशीन व पूंजीगत माल आयात किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त संरचना की स्थापना। तो इसमें हम देखेंगे कि देश में उपयुक्त संरचना ना होने से भी उत्पादनों को देश के गांवों तक पहुंचाने में क्या होती है कि कठिनाई होती है, अतः सड़क व अन्य परिवहन साधनों का विकास किया जाना चाहिए। फिर है सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन। तो आर्थिक विकास हेतु जो हमारा सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने व धार्मिक मान्यताओं में फेरबदल करने के लिए उपयुक्त साधनों से प्रचार जो है वो किया जाना चाहिए, जिससे कि अन्य मान्यताओं में धीरे धीरे क्या होगा कि परिवर्तन लाया जा सकेगा। फिर है इसमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके भी जो है वो इसका उपाय कर सकते हैं। तो पहले है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास की गति को कम कर देती है, अतः जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उपाय काम में लाए जाने चाहिए। फिर राजनीतिक स्थिरता, ठीक है, नेक्स्ट समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, राजनीतिक स्थिरता से। देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, जिससे कि आंतरिक झगड़ों का अंत हो सके व शांति व्यवस्था कायम की जा सके। इसमें नियोजन या विकास कार्यक्रम का निर्धारण गति से चलाया जा सकता है। मतलब इसमें जो नियोजन या विकास कार्यक्रम है को निर्धारण गति से जो है वो चलाया जा सकता है। फिर हमारा प्रशासनिक कुशलता। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में प्रशासनिक तंत्र मनमानी करने लगता है और प्रशासन की कुशलता में गिरावट आ जाती है। इसके लिए प्रशासन में क्या है सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। इन्हें नियंत्रण में रखकर इनकी कुशलता में जो है वो वृद्धि की जा सकती है। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि आर्थिक विकास करने वाले देशों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जो देश उनको आर्थिक सहायता देने के लिए उत्सुक हो उनमें अनुकूल शर्तों पर ही असहायता स्वीकार करनी चाहिए। तो जो ये हमारा आज का टॉपिक था अर्थव्यवस्था, ये जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू क्लास।